काशी नहीं आई खाने पे? हाँ वो कह रहे थे कि मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी खाना। क्यों? क्यों नहीं खाएगी भाई? शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे कमाल बाबा, आप बता रहे हैं। अच्छा मैं देखता हूँ। तुम ठीक हो? कुछ नहीं। तो फिर खाना क्यों नहीं खाया तुम? दिल नहीं चाह रहा। खाना पेट भरने के लिए खाया जाता है, दिल चाहे या ना चाहे। मेरे सर में अभी दर्द है, मैं बस टैबलेट लूंगी। टैबलेट और... खाली पेट नहीं खाई जाती। पहले खाना खाओ पेट भर के, फिर टैबलेट खाना। अंडरस्टैंड? चलो। तुम्हारे चेहरे से तो लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत काफी खराब है। नहीं नानो, वो बस सर में हल्का सा दर्द है। खाना खाओ, सर का दर्द ठीक हो जाएगा। बाकी मुझे भूख नहीं है। फाइन, तुम नहीं खाओगी तो मैं तो खाना नहीं खाऊंगा। नानो आप खाएंगी क्या? नहीं, मैं भी नहीं खाऊंगी। चलो अब तो खाना पड़ेगा, ये लो। अब बस बस। अच्छा ये बीना बाजी है कौन और क्यों आई हमारे घर रहने? क्यों बेटा, तुम क्यों पूछ रहे हो? मुझे अच्छी नहीं लगती है, बाबा से भी बदतमीजी करती है और हर वक्त गुस्से में रहती है। मुझे भी डांटा था और आपा के मुंह पे आज इतनी जोर से थप्पड़ मारा। आयशा के मुंह पे थप्पड़ मारा है? तो और क्या, बाबा ने आपको नहीं बताया? नहीं, मुझे तो किसी ने कुछ नहीं बताया। हद हो गई, जाओ बाबा को अभी बुला के ला, बल्कि मैं खुद जाके पूछती हूँ। कमाल मियां, ये मेरे घर में क्या हो रहा है और मुझे कोई कुछ बताता क्यों नहीं है? मैं समझा नहीं। आपको मालूम है बीना ने आयशा के थप्पड़ मारा है? आपको मालूम था और आपने मुझे बताया नहीं। बेगम साहब, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे डर था कि ये लड़की अब हद से गुजर रही है और ये बात मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। ना इसकी माँ हद में रही है, ना उनकी बेटी रहेगी। बेगम साहब, अभी हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपको बड़े हौसले और सब्र से काम लेना होगा। वो तुमसे भी बदतमीजी करती है? और उससे उम्मीद क्या की जा सकती? ये आपने क्या किया था? भाई वैसे तो आजकल मोबाइल और इंटरनेट का जमाना है, लेकिन मेरे दिल ने कहा कि किसी को अपने दिल का हाल कागज पर कलम से लिख के दे। आपको ना 1950 के दौर में पैदा होना चाहिए था। तुम हंसते मुस्कुराते हुए बिल्कुल चांद की तरह चमकते। अरे मेरा हाथ छोड़े, किसी ने देख लिया तो कितनी गलत बात हो जाएगी। देख, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि मम्मी पापा को यहाँ बुला लें और उनसे कहूँ कि वो नानू से हमारी शादी की बात करें। खाने के वक्त कहाँ चला गया? वो बीना को बाहर खाने पे लेकर गए। बीना के साथ खाना खाने गए हैं और तुम खड़ी देखती रही? नानो, साहब ने बीना को खुद जाने के लिए कहा था, मैं उन्हें क्या कहती?
मुझे आकर बता तो सकती थी। नानो, मुझे भी उसी वक्त पता चला जब वो लोग जा रहे थे। ये वही हो रहा है जो मैं नहीं चाहती के हो। अरे तुमसे मैंने एक छोटा सा काम कहा था। मैंने कहा था बीना और राहम को दूर रखने की कोशिश कर, लेकिन तुमसे इतना से भी नहीं हुआ। मुझे प्यार हो गया। क्या क्या कहा तुमने? जो तुमने सुना। और ये बात तुम मुझे इस तरह बता रही हो? मौका ही नहीं मिला कि तुम अपनी मॉम से बात करो। ये शादी का फैसला है, कोई मामूली बात नहीं है। किसी भी कंफ्यूजन में रह के नहीं करना चाहिए। कैसे बात कर लूं? मैं तो ये तक नहीं जानती कि जिसको अपने ख्यालों में बसाया है, जिससे बेपनाह मोहब्बत की है, तो मेरे बारे में क्या सोचता है। No, that's not fair. I mean, जिसके लिए तुम इतनी परेशान हो और तुम उससे इतनी बेपनाह मोहब्बत करती हो, उसे पता ही नहीं है। By the way, है कौन वो? फर्ज कर लो कि वो तुम ही हो। मैं? ना बाबा, मैं तो ये फर्ज भी नहीं कर सकता। I mean, मैं जानता नहीं हूँ कि तुम्हारी पिछली जिंदगी के बारे में, तुम किस खानदान से बिलोंग करती हो। सॉरी, मैं ये फर्ज नहीं कर सकता। मेरा भी वही खानदान है जो तुम्हारा है, और मेरे बारे में जानने के लिए कुछ इतना खास नहीं है। बहुत सीधी सादी जिंदगी गुजारी है मैंने। मैं तुम्हारी मॉम से बात करना चाहता हूँ। इससे अच्छी तो और कोई बात हो ही नहीं सकती। मैं तुम्हारी अभी बात करवाती हूँ मामा से। ये लो, मामा की खुद ही कॉल आ गई। हेलो जी मामा, अभी आप ही का जिक्र हो रहा था। वो रहम आपसे बात करना चाहता है। ये तो मुझे नहीं पता कि उसने क्या बात करनी है, अभी आप उसी से पूछ लें। हेलो, सलाम वालेकुम। जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं?